हम बंद हो गए कमरे के अंदर, हम कमरे के हम फोन में बंद हो गए है ना। और हिंदुस्तान खुश रहने के लिए सबसे बड़ा नाम माना जाता है गुरु। तो अगर अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो यू जस्ट यू हैव टू बी विद यू। तो मैं तो बहुत मजाक करता हूँ कि मोदी जी से भी हम पूछते हैं कि आपको और क्या चाहिए आपको क्योंकि उसके बाद तो और पोस्ट ही नहीं है। कैन यू बिलीव कि जितनी बार दिन में टाइम देखो 5 सेकंड के लिए हंसो। कम लोग हैं दुनिया में जो जिंदा है, ही इज वन ऑफ देम। नमस्कार फरीदाबाद, आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं तरुण शर्मा जी। तरुण जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लगातार लोगों को दिमाग की भाषा पढ़ाते हैं और बहुत सारे आयाम हैं जिन पर लगातार तरुण जी अपनी विशेष दक्षता के साथ काम करते हैं। उन्हीं के साथ आज बातचीत करेंगे हमारे अपने इस स्पेशल शो में। तरुण जी सबसे पहले तो यहाँ पधारने पर आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तरुण जी बहुत लंबे अरसे से गोवा में हैं हम तो फेसबुक पर लगातार वो फोटो ही देख रहे हैं। हाँ। गोवा से तस्वीरें आ रही हैं। यस, माया नगरी से तस्वीरें आ रही हैं। माया नगरी, तो अभी क्या है वहाँ, क्या चल रहा है और क्या इन दिनों विशेष शगल है? जैसा कि पहले मैं भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत समय के बाद मिला और हाँ मैं माया नगरी में हूँ गोवा में। और जैसे आप मुझे देखते रहते हैं फरीदाबाद से गोवा में, ऐसे मैं भी वहाँ से सिर्फ कुछ एक आध चीज़ ही देखता हूँ समय जब मिलता है। तो एक है सौरभ जी का नमस्कार फरीदाबाद, एंड इस वर्ड के हम लोग फैन हैं। आई मेट हिम लास्ट 10 ईयर्स बैक, एक जगह पे मिले थे हम लोग। एंड मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ ये फरीदाबाद में करते हैं, मैं थोड़ा बाहर जाके करता हूँ काम, दोनों ही जगाने का करते हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। और जिंदा अभी मैं मिला तो मैंने उनको एक बात बोला, मैंने कहा बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो जिंदा हैं, ही इज वन ऑफ देम। सो आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू मिस्टर सौरभ जी, एंड आपका बहुत कमाल काम कर रहे हो। जो सवाल आपने पूछा कि माया नगरी में मैं क्या कर रहा हूँ, तो माया नगरी में माया से जो लोग पक चुके हैं, माया से जो परेशान हो चुके हैं, माया के बाद भी जो चीज़ नहीं मिल रही उनको, खुशी की तलाश, तो वहाँ पे लोग आते हैं खुश होने के लिए। हम सब यू नो गोवा इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। हाँ, तो मैं वहाँ पे कुछ लोग आनंद के लिए जाते हैं। हाँ, स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, NMDC, ONGC, रिजर्व बैंक के टॉप लेवल के मैनेजर्स को वहाँ पे बुला के उनको ट्रेनिंग कराते हैं हम ब्रेन के ऊपर, और हैप्पीनेस, हैप्पी कैसे लाइफ में रहा जाता है वो सिखाते हैं। तो मैं बस अभी सडनली अभी कल ही यहाँ पर आया हूँ और आज मिलने का मौका मिला। फरीदाबाद को भी थोड़ा सा पता चले कि कैसे कैसे आदमी खुश रहे, कैसे आनंद में रहे। खुश रहने का कोई तरीका नहीं है, खुश रहने का बस एक ही तरीका है। और हिंदुस्तान खुश रहने के लिए सबसे बड़ा नाम माना जाता है गुरु। तो अगर अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये जस्ट यू हैव टू बी विद यू। आपके पास जो है, जितना है, उसी में अगर आप संतोष ले लेते हो तो वो बहुत मजा आता है। लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अभी हम ये समझना बंद हो गया है। तो मैं अपने प्रोग्राम में लोगों को जो सिखाता हूँ वो सिर्फ इतना सा सिखाता हूँ, मेरा जो फेवरेट फॉर्मूला है वहाँ पे, कि सब होने के बाद भी सौरभ जी, मतलब एक बहुत अजीब सी बात है कि हिंदुस्तान 136 नंबर पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। यस, एग्जैक्टली। इंडिया गुरु, जो जिस दुनिया का गुरु है वो हैप्पीनेस में सबसे नीचे है, और इस वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स हो चुका है। हम लोग नेचुरल डिसीज नहीं, हम नेचुरल डेथ नहीं होता है हमारा, अननेचुरल डेथ होता है। और मैं अपने पार्टिसिपेंट से बात करता हूँ कि याद है हमारे दादाजी की उम्र कितनी थी? दादाजी की उम्र 80 साल, 80, 90, 100, एंड नेचुरल डेथ होती थी उनकी, यू नो, वो खुश रहते थे, राम राम करते थे, घर से बाहर निकलते थे, सबसे हाल पूछते थे। हम बंद हो गए कमरे के अंदर, हम फोन में बंद हो गए है ना। हम एक ही कमरे के अंदर 10 भाई 4 लोग हैं तो सबके फोन में लगे होंगे। ये हैप्पीनेस हम फोन में ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस दिल में है। लेकिन तो दिल में से अगर हैप्पीनेस ढूंढेंगे तो आपको रील्स स्क्रॉल करते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया। और वो जो रील्स होता है वो सब झूठ होता है ना, सब झूठ होता है। कोरोना ने हमें मास्क पहनना सिखाया, बट लाइफ में हम ऑलरेडी मास्क पहनते हैं, मास्क पहन के मिलते हैं, मास्क पहन के हाल पूछते हैं, मुखौटे चढ़े हैं। यस, लगातार चेहरों पर मुखौटे चढ़े हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी, दिस इज लाइफ। तो ये वहाँ तो कोई ऐसी टेक्निक्स जो जो आप यहाँ हमारे लोगों के साथ? मेरा एक बहुत फेमस टेक्निक है कि हम लोग सबसे पूछते हैं, मेरे प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल्स आते हैं और 10,000 प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर चुका हूँ अभी तक, एंड जनरल मैनेजर्स पूरी इंडिया की टॉप कंपनीज की। अब आप सोचो जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी है वो भी खुश नहीं है। आई नो मिस्टर अंबानी, ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो मैं तो बहुत मजाक करता हूँ कि मोदी जी से भी हम पूछते हैं कि आपको और क्या चाहिए आपको क्योंकि उसके बाद तो और पोस्ट ही नहीं है। कैन यू बिलीव। सो एक फॉर्मूला है इफ और देन। ये फॉर्मूला मैं लोगों का डिलीट कराता हूँ, और ये फॉर्मूला सदियों से चला हुआ आ रहा है कि इफ आई विल गेट दिस आई विल बी हैप्पी।
बट ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला सक्सेस का हो सकता है, हैप्पीनेस का नहीं है। तो हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, यू नो इफ यू विल गेट दिस आई विल यू विल बी हैप्पी। दसवीं हो गई तो हैप्पी हो जाओगे, ट्वेल्थ हो जाएगी तो हैप्पीनेस हो जाएगी, कॉलेज हो जाएगा तो हैप्पीनेस हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो हैप्पीनेस हो जाएगा, और ये सब कर लिया हमने, जॉब लग गई उसके बाद भी हैप्पीनेस नहीं है। और वही चीज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, इफ यू विल गेट टेंथ यू विल बी हैप्पी। हैप्पीनेस का ये फॉर्मूला नहीं है, ये सक्सेस का फॉर्मूला है, तो इसको पहले डिलीट करिए। जो हैप्पीनेस का फॉर्मूला है, जो मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आप क्यों नहीं हंसते हैं, सबसे सबसे आसान तरीका है हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ स्माइल। ओके, हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ स्माइल। हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ मोबाइल, नो। हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ गोवा, एब्सोल्युटली नो। हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ बिग पोस्ट, नो। हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद अ स्माइल। मैं सौरभ जी को देखकर हल्का सा स्माइल दूंगा ना, तो दोनों के दिल में हैप्पीनेस आ जाएगी। मैं मेरी बेटी को देख के स्माइल देता हूँ या वो मुझे देख के स्माइल करती है, हैप्पीनेस आ जाती है। मैं मेरे नेबर को देख के करता हूँ, मेरे कलीग को देख के करता हूँ, मेरे दुश्मन को भी देख के मैं स्माइल करता हूँ ना, तो हैप्पीनेस आ जाएगी। सो नंबर वन सीक्रेट, आप स्माइल करना शुरू करो। फेक स्माइल भी कमाल काम करती है। दुनिया में बड़े बड़े से कैंसर हॉस्पिटल है जहां पे फेक हंसाया जाता है, लाफ्टर योगा। तो आप फेक स्माइल करोगे ना, वो भी कमाल काम करती है। और मेरा जो बेस्ट फॉर्मूला है वो ये है कि अभी मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप हंसते हो दिन में कि नहीं, तो लोग क्या बोलते होंगे आपके हिसाब से? सॉरी, आप तो पूरा कहते होंगे हंसी लेते हैं। कितना कितना, मतलब ये कोई पैमाना, वेरी रेयर, लोगों को हंसी नहीं आती है। लोग मूवीज का वेट करते हैं, लाफ्टर चैलेंजेस के शो का यूज करते हैं कि वो आएगा तो देख के हंसेंगे, बट वो भी एक झूठ जोक ही तो होता है। तो हम लोग को बोलते हैं कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है हंसने का, लेकिन आप दिन में टाइम कितनी बार देखते हो? बार बार ही देखते हैं। कितनी बार? ऑलमोस्ट मतलब आप समझें कि 20-25 बार तो देख ही लेते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं मेरे पार्टिसिपेंट से पूछता हूं कि आप दिन में कितनी बार हंसते हैं, तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि एक दो या रेयर, एंड दिस इज द गेम। और मैं लोगों से पूछता हूँ टाइम कितनी बार देखते हैं, तो सब लोग बोलते हैं 20-25 बार। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी लाइफ को, उनके ब्रेन को, हमारे पास प्रोग्राम में जब आते हैं तो उनके ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं उनकी वॉच के साथ। तो मेरा फॉर्मूला आपके साथ मिलके जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी बार दिन में टाइम देखो 5 सेकंड के लिए हंसो। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, टाइम देखो, क्योंकि टाइम तो देखना ही देखना है। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि टाइम नहीं मिलता है हंसने का, पर मैं क्या बोलता हूँ, आप टाइम जैसे ही देखो, जैसे डॉक्टर की दवाई लेते हैं ना, तो ये तरुणानंद बाबा की दवाई है, टाइम देखिए और एक्सक्लूसिवली सौरभ जी के साथ टाइम देखिए और 5 सेकंड हंसिए। आपकी बॉडी में केमिकल होता है एंडोर्फिन नाम का, ओ माई गॉड, आपकी सारी बीमारियां खत्म। दिस इज माई चैलेंज, और हम आप लोगों को सिखाते हैं और सब टाइम देख देख के हंसना शुरू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सौरभ जी के चैनल पे तो टाइम कितना हुआ है, तो क्या बताएंगे? हंसेंगे फिर बताएंगे। 6 बज गए हैं तो अगर आप 6 बज गए हैं हंसेंगे, 6:05 हो गए हैं, जब भी आपको टाइम देखने को मिले तो आप जरूर हंसिएगा। दुनिया में और कुछ नहीं है, हिंदुस्तान सब पा चुका है, हम 99 से ऊपर जा चुके हैं परसेंटेज पे, 100 से ऊपर नंबर नहीं आता है, फिर भी हमारा बच्चा परेशान है ना, तो देर इज समथिंग लैकिंग। तो इफ और देन हटाइए, इफ और देन हटाइए, इफ और देन हटाइए, ऑलवेज बोलिए आई एम हैप्पी। और दूसरा नंबर, टाइम देखिए और हंसिए, आपको आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम टेलिंग यू दिस माय सीक्रेट। टाइम देखिए और हंसिए, घड़ी देखिए, और आपके चौकटे पर जो 12 बजे होते हैं एग्जैक्टली, और उन्हें भूल जाइए और हंसिए खिलखिलाइए, यही मंत्र लगातार तरुण जी दे रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि उनके कुछ कुछ अच्छे जो कोर्सेज हैं, कुछ अच्छी जो ज्ञान की बातें हैं, उनके साथ वो वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर भी हम लोग शेयर करें और आपके साथ बांटें उस ज्ञान को जो तरुण ने अर्जित किया है। तरुण जी, हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते फरीदाबाद, मजा आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड।